जो बना रहे हैं ये व्हाइट कुंद है, ठीक है, कुंद है ये सबसे ज्यादा हमारे पास यही चलती है, क्योंकि इसका रेट भी मुनासिब है, इसमें कांटा भी है और इसका जायका भी सबसे जबरदस्त है, ये सबसे ज्यादा हमारे पास चलती है ये वाली भी मछली है, मगर इसके जो मसाले टाइट है और अच्छे तरीके से साफ सुथरी और बेहतरीन तरीके से मछली बना के हमें देता है, तो गुलशन इकबाल से हम यहाँ पर आते हैं अपने, ये भी काफी मशहूर है, अभी इनसे पूछते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि और कौन सी वाली मछली कितने तक की है, क्योंकि जाहिर है मौसम तो आ चुका है, जो भी सारी चीजें होंगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मेरे साथ में मुझे बताएं कब से है ये अपना? ये हमारे 20 साल से ये कारोबार, पहले वो हमारी कोने वाली दुकान थी, अब वहाँ पे जो है ना बिल्डिंग बन रही है, तो तकरीबन 5-6 महीने से हम बेरोजगार थे, फिर ये जो बानी फिक्स्ड आलमगीर खान साहब है उनके हमने एक वो देखा चैनल पे कि वो जो है ना एक केबिन दे रहे हैं लगाने के लिए, इसमें वो भी है लोडर भी है, तो हम कहीं पे अभी फिलहाल हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, जब हमारी दुकान बन जाएगी तो मेरा एक छोटा भाई और है उसके लिए हम एक रोजगार खोल देंगे इसके हिसाब से, और बाकी 20 साल से हमारा कारोबार है इसी जगह के ऊपर, वालिद साहब पहले लगाते थे अभी मैं कर रहा हूँ तकरीबन 11 साल से। डमरो है, किसी भी तरीके की कोई भी मछली है, मगर इसके जो मसाले टाइट है और अच्छे तरीके से साफ सुथरी और बेहतरीन तरीके से मछली बना के हमें देता है, तो गुलशन इकबाल से हम यहाँ पर आते हैं अपने यार दोस्तों के साथ हफ्ते में एक दफा। असल में ये तो कच्ची आबादी है ना, कच्ची आबादी के अंदर नॉर्मल रेट वाले एक कांटे वाली हम रख रहे हैं जो लोगों को मुनासिब रेट। अब ये वाली कुंद मछली है, ये बाहर अगर आप सिविक सेंटर या किमाड़ी लेने के लिए जाएं तो इसका रेट कम से कम 800 रुपए से कम नहीं मिलती है, कम से कम वैसे 1000 रुपए किलो तक चलती है, हम ये बेचते हैं 600 रुपए किलो, यानी कि 150 रुपए पाव, तो यहाँ पाव के हिसाब से लोग लेने आते हैं, आपको पता है भी इस महंगाई के दौर में पकोड़े भी 150 रुपए पाव है। अब ये हीरा और धोतर है, ये आप देख सकते हैं, ये हम 800 रुपए किलो बेचते हैं, ये भी बाहर कम से कम 1200 से 1600 रुपए किलो है, और ये फिंगर है सोल का, ये हम बेचते हैं 180 रुपए पाव, ये भी आप बारिश के रेट जाके देख ले बिल्कुल बगैर कांटे के, ये बोलने से ये कम से कम बाहर 250-300 रुपए पाव होती है, यहाँ हम इसको 180 रुपए पाव। तो पुराने यहाँ पे आपके सामने रोग है, आपने लोगों से भी बातचीत की, अरसा दराज से हमारे यहाँ 20 साल से कारोबार है, मुनासिब रेट होते हैं, लोग आते हैं और अच्छा जायका भी है, ताज़ा ताज़ा मछली देते हैं। ये पुरानी है तो वो जायकेदार नहीं होती। अच्छा, इस भाई का जो ठिया है ना, तो ये ताज़ी मछली रखता है तो वो जायकेदार होती है और मसाले भी इसके अच्छे साफ सुथरे, कोई 2-3 दिन का हम स्टॉक नहीं रखते हैं। हाँ, वो मैं देख रहा था, पूछा था दोस्तों के साथ आते हैं, वो कह रहे हैं कि ताज़ा मछली का जायका। अच्छा, कितने कितने से स्टार्ट है, एक अंदाजा हो जाए लोगों को, क्या मतलब कितना तक के है, मतलब प्राइस रेंज क्या है आपके? हमारे पास ये है जी, ये एक पाव है 180 रुपए का है, ये तकरीबन नॉर्मल भी दो अफराद खा सकते हैं, इसके अंदर चटनी वगैरह डाल के, तो ये हमारे गरीब लोगों की आबादी है, इसमें गुजारा हो जाता है सही मुनासिब रेट में। चाहते तो भाई आओ आके खाओ, लेकर जाओ खाओ, मौसम आ चुका है मछली का, मछली का मौसम आ चुका है, आओ खाओ, बच्चों के लेके जाओ। 11 जुम्मा गोट, और ये हमारा टाइमिंग है असर से स्टार्ट होता है रात 12 बजे तक, अक्सर हमारे मछली जो है ना 11-11:30 बजे खत्म हो जाती है, कम तर ऐसे दिन होते हैं कि हम जो है ना 12 बजे तक बैठ जाते हैं। और लोकेशन अगर आप ये सफारी पार्क वाली साइड से आएंगे तो मेट्रो की तरफ से आना पड़ेगा, अगर लदीन से तो सिंदबाद नीपा चुरंगी से सीधा रास्ता आता है, सीधा बिल्कुल यही रोड सिंदबाद से यहाँ तक आता है। हमारी तकरीबन इन दिनों में 2 मन निकलती है, सर्दी में जब सही मौसम आता है तो 5 मन के करीब हमारे मछली निकलती है।
कौन सी है आप जो बना रहे हैं? ये व्हाइट कुंद है। ठीक है, कुंद है ये सबसे ज्यादा हमारे पास यही चलती है, क्योंकि इसके रेट भी मुनासिब है, इसमें कांटा भी है और इसका जायका भी सबसे जबरदस्त है। ये सबसे ज्यादा हमारे पास चलती है ये वाली। फिक्सेट आप देख सकते हैं कि 20 साल से मैंने आपको बताया वो हमारी दुकान थी, लेकिन पहले इसका किराया भी था तकरीबन नॉर्मल 10,000। फिर जब वो दुकान का मालिक अभी बना रहे वो दुकान उसको मांग रहे 30,000 किराया, 4 लाख एडवांस, इतने हमारे पास अफोर्ड हम नहीं कर सकते। फिर हमने आलमगीर भाई के पेज पे ये देखा कि वो बेरोजगार नौजवानों के लिए एक रोजगार की स्कीम दे रहे, ये केबिन दे रहे और उसमें आसान तरीके से हम रोजगार कर सकते हैं। तो ये केबिन अभी हमारे जेर इस्तेमाल है, इसके अंदर अब लोग अंदर बैठ के मछली खाते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं हम लकड़ी पे मछली बनाते हैं, अरसा दराज से हम लकड़ी पे मछली बना रहे हैं। लेकिन ये भी एक अच्छा उन्होंने हमें दिया, क्योंकि मेरे एक भाई बेरोजगार है, वो इसी के ऊपर हम उसके लिए रोजगार लगाए, क्योंकि ये मूवेबल है, इसको कहीं पे भी खड़ा कर सकते हैं, कोई कब्जा वगैरह की वो नहीं है कि कहीं खड़ा करके हम कब्जा कर। तो हम आलमगीर भाई का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भी हमारा ख्याल रखा। हम 3 महीने से बेरोजगार थे और मजीद भी आपके सामने दुकान बंद है और भी टाइम लगता, लेकिन हम बेरोजगारी से भी बचे और बिल्कुल मुनासिब इंस्टॉलमेंट पे इसके वो है जो इसके अपनी कॉस्ट जो खर्चा आता है उसी पे हमें उन्होंने किस्तों में दिए, कोई प्रॉफिट कुछ नहीं लिया उन्होंने हमसे।